नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राशिद अली का श्रावस्ती में स्वागत किया गया। बैरेज इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन ने के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राशिद अली जनपद श्रावस्ती का दौरा किया। ब्लॉक हरियरपुर में रानी में पत्रकारों की बैठक में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आयोजित इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के इस्माइल अंसारी जिब्राइल खान के नेतृत्व में पत्रकारों ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राशिद अली का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राशिद अली ने कहा कि पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों के बिना कोई भेदभाव के समाज के बुराई को उजागर करने का कार्य। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में एक सवाल का जवाब में कहा कि आज पत्रकारों को उत्पीड़न के मुख्य कारण चाटुकारिता होता है। पत्रकारों के चाहिए कि अधिकारी की परिक्रमा करने के बजाय अपने काम पर फोकस रखे, जनता की मूलभूत समस्याओं को उजागर करने का कार्य करे और उत्पीड़न पर ध्यान न देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और फर्जी इल्जाम बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि कोई भी पत्रकार जब किसी संस्था से जुड़ता है उस वक्त उस पर इल्जाम लगाना शुरू हो जाता है। पत्रकार दूसरे पत्रकार से भेदभाव बिल्कुल ना करे और अगर किसी से पत्रकारों के उत्पीड़न हो तो तत्काल सब कुछ मूल एक करके एकजुट हो जाए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती। जब हम एक रहेंगे तो उत्पीड़न नहीं हो सकता है। श्री अली ने कहा कि हमारे संगठन पूरे देश में पत्रकार हित के लिए कार्य कर रहा है। हमारा संगठन किसी भी दिशा में पत्रकार उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकार समाज सम्मान का हकदार, उसका वही सम्मान मिलना चाहिए। जब हम जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो सम्मान भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप में शफी खान, मकसूद रजा, मोहम्मद इमरान खान, राहुल कुमार सोनी, आलोक कुमार मिश्रा, अहमद हुसैन, शाहिद अली, हिदायत अली, फैजान खान, राहुल कुमार सोनी, जुबेर अहमद खान, मुलिम खान, लड्डन खान, राजीव कुमार, सिराजुद्दीन खान, आलोक वर्मा, पंकज सिंह, विनोद गिरी, श्याम कुमार मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा सहित सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। ना कहीं उत्पीड़न किया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? पत्रकारों का उत्पीड़न वहीं पे किया जाता है जहां पे पत्रकारों के साथ में भेदभाव किया जाता है, तभी अधिकारी उत्पीड़न करने के लिए आगे बढ़ता है। अगर हम भेदभाव को भूलकर, बैनर को भूलकर, कमेटी यूनियन को भूलकर सिर्फ पत्रकार हित के लिए बात करेंगे और सच्चाई को जनता के सामने लाने का काम करेंगे, एकजुटता बना के रखेंगे, तो किसी के भी हिम्मत नहीं है कि वो पत्रकारों का उत्पीड़न कर सके। जैसा कि देखा जाता है कि हमारा जो संगठन है उसके पदाधिकारियों और उसके पत्रकारों का उत्पीड़न करने की हिम्मत जनपद में क्या उत्तर प्रदेश में भी किसी की नहीं है कि उसका उत्पीड़न कर सके। अगर उनका उत्पीड़न किया जाता है तो हमारा संगठन हर तरीके से उनकी लड़ाई लड़ेगा और कभी भी उनके मान सम्मान के साथ में समझौता नहीं करेगा। कभी भी इस तरह का काम हमारा संगठन नहीं करेगा। सर, जैसे कि देखा जाता है कि पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए, जैसे कि उत्पीड़न ना हो, इसके लिए क्या और किस तरीके से मतलब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और इसकी अपेक्षा राजस्थान में क्षेत्रफल तो बड़ा है मगर आबादी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वहाँ पे कम है, फिर भी वहाँ की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने वहाँ पे पत्रकारों को मान्यता दिया है, सरकारी आवास दिया है, उनको बीमा देने का काम किया है और हमारी सरकार ने जो कोरोना के समय में जो ऐलान किया है तो वो ऐलान हमारी सरकार का ये होता है कि उनकी जो भी योजनाएं हैं वो मरने के बाद ही मिलती है, जीते जी उनको कोई योजना का लाभ सरकार नहीं दे पाती है। और सरकार को ये चाहिए कि जब तक पत्रकार जो राष्ट्र का चौथा स्तंभ होता है उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। अगर अभी पत्रकार एक यूनिटी बना लें, देखने को मिलता है कि जनपद के अंदर कभी कभी कोई ऐसा अधिकारी आ जाता है कि पत्रकार नाराज हो जाते हैं और उनका ये ऐलान कर देते हैं कि इनके समाचार का बहिष्कार किया जाएगा। तो देखा है मैंने ये कि जब बहिष्कार का ऐलान किया जाता है तो अधिकारियों की चूल हिल जाती है और वो झुकने का काम करता है, पत्रकार वहाँ पर मजबूत हो जाता है। तो सबसे पहले पत्रकार को ये चाहिए कि वो सच्चाई को उजागर करें,
अपना काम ईमानदारी के साथ में करे और जो एक छवि बनी हुई है चाटुकारिता की, उस छवि से निकलने का काम करे, क्योंकि जो चाटुकार सही मायनों में होते हैं वो पत्रकार नहीं होते हैं, और उनका एक ही काम होता है कि थाना चौकी या ब्लॉक पे या प्रधान जी के यहाँ पे बैठकर सिर्फ यही काम करना है कि ये पत्रकार तो ये भ्रष्ट है। ईमानदार पत्रकार को भ्रष्ट बनाने का काम वो लोग करते हैं जो खुद भ्रष्ट होते हैं।